हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी मटर मलाई। ये पंजाब की बहुत ही फेमस रेसिपी है और मैं इसके साथ मिस्सी रोटी भी बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। मेथी मटर मलाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम हरी मेथी ली है। मैंने इसको अच्छे से दो तीन पानी से वॉश करके लिया है। मेथी के नीचे जो मोटा वाला पोर्शन होता है मैंने उसको निकाल दिया और मैंने मेथी की पत्तियाँ ली हैं। मेथी मटर मलाई बनाने के लिए हमने 200 ग्राम फ्रेश ग्रीन मेथी को अच्छे से वॉश करके फाइन चॉप्ड कर लिया है। दो मीडियम साइज के प्याज को फाइन चॉप्ड किया है। आधा कटोरी मैंने मलाई ली है, थोड़ा सा दही लिया है और ये मैंने हरी मटर ली हुई, फ्रेश हरी मटर ली हुई है। अगर आपके पास हरी मटर नहीं है तो इसकी जगह फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा घी लिया है। चार मैंने मीडियम साइज के टमाटो को लंबा लंबा कट कर लिया है। दो हरी मिर्च लिए, थोड़े से काजू लिए हैं, अजवाइन लिए थोड़ी सी, अदरक को मैंने छील के छोटा छोटा कट कर लिया है, एक बड़ी इलायची ली है, 8 से 10 काली मिर्च ली है, 2 हरी इलायची ली है और 1 लौंग ली है, 4 मैंने लहसुन की कलियां ली है और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा हमने यहाँ पे किचन किंग पाउडर लिया है। आप इसकी जगह कोई भी सब्जी मसाला यूज कर सकते हैं। नमक, कुकिंग ऑयल, मैंने कढ़ाई को गर्म किया, इसमें लगभग 1 चम्मच घी डाला है। आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन ये घी में ज्यादा अच्छी बनती है। ये अच्छे से गर्म हो तो लगभग मैंने इसमें 1 पिंच हींग डाल दी है। हमने जो मेथी ये कट करके रखी थी ना, मैं इसको ये कढ़ाई में डाल दे रही हूँ सारी मेथी को। हमें इस मेथी को अच्छे से चला देना है और इसको स्लो आंच पर पकाना है। हमने मेथी को एक लिड से कवर कर दिया और इसको हम स्लो फ्लेम पे पका रहे हैं। जब तक ये मेथी पक रही है, जो मैंने ये मटर लिया था इसको हम बॉयल कर ले रहे हैं। मैंने कुकर लिया और इसमें मैं ये मटर डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल दिया है हमने। मटर को बॉयल करने के लिए गैस पर रख दे रहे हैं। हमें मटर को कुकर में 2 सीटी आने तक उबालना है। अरे मटर भी उबल गई। हमें मेथी को इसका पानी ड्राई होने तक पकाना है। अभी हमें इसको 2 मिनट और पकाना है। इस मेथी को पकाते टाइम मैंने कोई भी इसमें सॉल्ट नहीं डाला। अगर हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे तो इसमें पानी पानी हो जाएगा बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने सॉल्ट नहीं डाला है। अभी मेथी अच्छे से पक गई है तो हम गैस को बंद कर ले रहे हैं और मेथी को ठंडा करके एक बोल में निकाल। हमने एक मिक्सी का जार लिया, इसमें मैं मसाले को पीस ले रही हूँ। काजू थोड़े थोड़े काट दिए वो डाल दे रही हूँ, अजवाइन डाल दे रही हूँ, जिंजर डाल रही हूँ, ग्रीन चिल्ली को हमने 2 टुकड़ों में कट कर लिया वो डाल रही हूँ, काली मिर्च और लौंग डाल रही हूँ, लहसुन डाल रही हूँ और जो मैंने टमाटर लंबा लंबा कट कर लिया था वो डाल दे रही हूँ। इलायची को मैं इसमें तोड़ के डाल रही हूँ। अगर इसको ऐसे ही डाल देंगे तो फिर इसका छिलका जब सब्जी हम लोग खाएंगे तो उसके मुंह में आ जाएगा। जार का ढक्कन लगा के हम मिक्सी में इसको पीस ले रहे हैं। ये मेरा मसाला बनके रेडी हो गया है। हमने फिर से सेम कढ़ाई को गर्म किया है, इसमें हमने लगभग 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाला है। इसको भी अच्छे से भूनना है। जीरा अच्छे से भूनिए तो हम इसमें जो मैंने प्याज को चॉप करके रखा था ना, मैं वो डाल दे रही हूँ इसमें। अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है स्लो फ्लेम पे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैं इसमें ये मसाला जो मैंने पीसा था मैं भी इसमें डाल दे रही हूँ। ये जार में थोड़ा सा मसाला रह गया तो हमने जार में 1.5 कप पानी डाल, इसी में पानी डाल दे रही हूँ इसका। अब हम इन मसालों को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। हमें इस मसाले को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए भूनना है अच्छे से। अभी मसाला थोड़ा सा पक गया तो मैं इसमें हल्दी डाल दे रही हूँ। अभी अच्छे से चला ले। मसाले को हम हर 1 मिनट पे चलाते रहेंगे। अब ये मसाला पक गया है तो ये कढ़ाई छोड़ने लगा और इसमें थोड़ा थोड़ा साइड में तेल भी छोड़ने लगा है। हमने जो ये मलाई ली थी उसमें हम 2 चम्मच दही डाल रहे हैं, इससे इसका स्वाद और अच्छा हो जाए। और मैंने दही फ्रेश लिया है, 1-2 दिन का भी दही हो तो अभी चलेगा, पर ज़्यादा खट्टा दही नहीं डालते, नहीं तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा खट्टापन आ जाएगा। और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, दोनों को दही को और मलाई को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम ये जो मलाई है फेटी हुई दही इसको हम इसमें डाल दे रहे हैं। इसमें धीरे धीरे डालो और जब हम मलाई डालेंगे तो हमें गैस का टेम्परेचर बिल्कुल स्लो करना है, नहीं तो ये फट जाएगा। और इसको धीरे धीरे मिलाते जाना है इसमें। हमें मलाई डालने के बाद इसको कंटिन्यूसली चलाना है अच्छे से। हमें इसको स्लो फ्लेम पे चलाते हुए ही पकाना है। अब ये मलाई आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है तो हमने जो मेथी थी वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। मेथी जो पका के रखी थी मैंने इसमें वो डाल दी है और इसको भी अच्छे से मिला लिया। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे और जो मटर बॉयल करके रखी थी वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ धीरे धीरे करके। हमने इसमें 1 कप पानी और डाला है। अब हम इसमें 1 चम्मच
कुटा हुआ धनिया डाल रहे हैं। एक चम्मच इसमें किचन किंग पाउडर डाला, इसकी जगह आप सब्जी मसाला या आप जो भी मसाला यूज करते हैं सब्जी में वो डाल सकते हैं। इसमें कुटा हुआ हाफ चम्मच रेड चिली पाउडर भी डाल रहे हैं। अगर पसंद नहीं करते रेड चिली तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। मसालों को सब आपस में अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें मैं नमक इसमें सबसे लास्ट में डाल रही हूँ। मैंने इसमें लगभग 1.5 चम्मच नमक डाला है। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने नमक इसमें पहले इसलिए नहीं डाला था कि जब हम मलाई डालेंगे तो फिर मलाई और दही का पेस्ट डालेंगे इसमें और नमक पहले से डाल देते तो फिर ये फट जाता है अगर नमक पहले डाल देंगे तो, इसलिए मैंने इसमें लास्ट में नमक डाला है। इसको थोड़ी देर हम स्लो आंच पर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे मसाला डालने के बाद। इसमें हम 1 छोटा चम्मच चीनी का डाल रहे हैं। इससे जो मैंने दही और वो मलाई वगैरह सब कुछ डाला इसका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। आप इसमें शुगर अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने इसमें 1 चम्मच डाला, आप 1 चम्मच से थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हम इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 मिनट हो गए तो मैं इसकी लेट खोल के देख रही हूँ, ये सब्जी अच्छे से पक गई है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ। मिस्री रोटी बनाने के लिए हम पहले इसके लिए एक मसाला तैयार कर ले रहे हैं। हमने एक पैन रखा, उसको हल्का सा गर्म किया है। ये पैन हल्का सा गर्म हो तो हमने इसमें लगभग 1 चम्मच मोटा वाला खड़ा धनिया डाला है, 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है और 1/2 चम्मच इसमें अजवाइन डाली है। थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली है। अब इन सबको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आज हम आपको 2 तरह की मिस्सी रोटी बनाना सिखाएंगे, एक सिंपल वाली मिस्सी रोटी और दूसरी तंदूरी मिस्सी रोटी। इन खड़े मसालों को हमें बहुत देर तक नहीं भूनना, हल्का सा भूनना है। ये मसाले अब भून गए हैं तो हम गैस को बंद कर दे रहे हैं और इस मसाले को ठंडा कर रहे हैं। अब ये मिक्सचर हमारा अब ये सारा ठंडा हो गया तो हम इसको एक जिसमें हम अदरक क्रश करते हैं उसमें डाल ले रही हूँ, क्योंकि मिक्सी में इतना कम मसाला ग्राइंड नहीं होगा अच्छे से। हम इसको क्रश कर ले रहे हैं। मिस्सी रोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 कप आटा लिया है। थोड़ा सा आटा मैं इससे निकाल दे रही हूँ, फिर मैं बाद में जब आटा गूंदेंगे तब इसमें डालने का काम आएगा। और इसमें 1.5 कप ही मुझे बेसन डालना है तो मैंने अभी 1 कप बेसन डाल दिया इसमें। 1/2 कप बेसन मैं और डाल दे रही हूँ। ये आटा और बेसन दोनों छने हुए हैं, इसको मैं आपस में अच्छे से मिला दे। हमने जो इसका मसाला पहले से कूट के रखा हुआ था ना वो मैं इसमें मिला दे। 1 चम्मच हमने इसमें चाट मसाला डाला है। आप इसकी जगह अमचूर पाउडर या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाल रहे हैं। 1 छोटी चम्मच इसमें मैंने हल्दी डाली और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाला, इसकी जगह आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। इसमें हम लगभग 2 बड़े चम्मच मेल्टेड घी डाल रहे हैं। पहले हमने घी को गर्म कर लिया उसके बाद डाल रहे हैं इसमें। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल रहे हैं। अब इन सबको हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस जगह अगर आप प्याज वगैरह खाते हैं तो वो बिल्कुल फाइन चॉप्ड करके इसमें डाल सकते हैं। बहुत लोग मिस्सी रोटी में प्याज डालना पसंद करते हैं। हमने यहाँ पे 1 कप पानी लिया, मैं इससे आटा गूंद रही हूँ। थोड़ा गुनगुना पानी लिया है हमने, इसे थोड़ा थोड़ा डाल के आटा गूंदना है, पानी सारा एक साथ नहीं डालना है। आप मेजरिंग किसी भी कटोरी कप किसी से भी कर सकते हैं। अभी हम लोग जो आटा गूंद रहे हैं तो ये थोड़ा सा गीला सा लग रहा है क्योंकि इसमें बेसन पड़ा है, तो बेसन डालने की वजह से ये आटा इस तरह का हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सूखा आटा निकाला था। अब ये आटा इसमें डाल देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। हमने इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाला जिससे ये आटा अच्छे सेट हो जाएगा। 2 चम्मच घी डाला हमने इसके ऊपर। अब इसको अच्छे से हमें सेट कर लेना है, अभी चिपकेगा। मिस्सी रोटी के लिए हमें थोड़ा सख्त आटा ही चाहिए। घी डालने से देखो ये आटा एकदम से आपस में अच्छे से सेट। 1 कप पानी लिया था, थोड़ा सा पानी से बच भी गया है, 1 बड़ा चम्मच पानी बच भी। हमारा आटा रेडी हो गया सेट होने के लिए, 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 20 मिनट भी रख सकते हैं, कम से कम इसको 20 मिनट चाहिए सेट होने के लिए। ये जो हमने आटा सेट होने के लिए रखा था 1 घंटा हो गया इसको भी सेट हो गया, तो मैं इसके मीडियम साइज की 2 बॉल्स बना ले रहे हैं। इसको वापस ढक दे रहे हैं। पहले मैं आपको सिंपल वाली मिस्सी रोटी बनाने का तरीका बता रही हूँ। इसके लिए मैंने आयरन का तवा रखा है, इसके लिए आप आयरन का तवा ही यूज करें। नॉन स्टिक वाला यूज करेंगे तो उस पर ये अच्छे से स्टिक नहीं होगी रोटी। ये हमने इसको राउंड करके इसकी बॉल्स बना ली है, अब हम रोटी बेल रहे हैं। हमने आटे से अच्छे से कोट कर लिया है, अब इसको बेलन से अच्छे से बेल लेंगे। जैसे हम लोग घर में नॉर्मल रोटी बेलते ना उसी तरह से बेल लेंगे। और जो तंदूरी वाली मिस्सी रोटी बनाते हैं इसको थोड़ा सा थिक रखते हैं, अगर पतला रख देंगे तो फिर ये अच्छी नहीं बनेगी। नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसे थोड़ी सी मोटी रखते हैं इसको। ये सादा वाली मिस्सी रोटी है, ये मैं तवे पे डाल रही हूँ। इसको थोड़ा मीडियम आंच पे सेकना है। अभी मैंने तवे का फ्लेम थोड़ा मीडियम रखा है। अभी हमारी रोटी एक तरफ से सिक गई है तो मैं इसको पलट ले रही हूँ।
ये दोनों साइड सिक गई तो हम इसको डायरेक्ट फ्लेम पे सेक ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे सेकना है क्योंकि ये बेसन पड़ा हुआ अगर तेज आंच पे सेक लेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा अंदर से। धीरे धीरे से गोल गोल घुमाते हुए सेक लिया। ये रोटी दोनों तरफ से अच्छे सिक गई तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। हमने तंदूरी मिस्सी रोटी बनाने के लिए ही थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला दिया है। अब इस पानी को हम इस मिस्सी रोटी बनाएंगे उसके ऊपर अच्छे से कोट करना है। तवे को हमने फुल फ्लेम पे रखा है और इसपे जो हमने नमक वाला पानी बनाया वो थोड़ा सा इस पर डाल देना है, इससे इसका टेम्परेचर और तेज हो जाएगा। अब जी मैंने मिस्सी रोटी बनाई है मैं इस पर डाल दे रही हूँ और इसको ऐसे चिपका दे रही हूँ अच्छे से। अभी इसमें रोटी अच्छे से स्टिक हो गई। अब इसको हम पलट के डायरेक्ट सेक दे रहे हैं और फ्लेम को स्लो कर दे रहे हैं। रोटी को चारों तरफ से हमें स्लो आंच पे सेकना है। अगर फुल पे सेक देंगे तो पूरी अंदर कच्ची रह जाएगी। अब हमारी रोटी सेक गई तो हमने तवे को फिर वापस पलट दिया है और इसे हल्के हाथ से ऐसे तवे से निकाल लेंगे। हमने इस पे घी लगा दिया है। आप अपनी चॉइस से घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी। ये मेरी मेथी मटर मलाई बन के रेडी हो गई तो मैं इसे एक बोल में निकाल ले रही हूँ। फ्रेंड्स मेरी आज की रेसिपी बनके रेडी हो गई है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।